गोरखनाथ की पावन धरती से शाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में आज हम रेक्टेंगल बताने जा रहे हैं आपको। रेक्टेंगल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और आप किन किन चीज़ों को इसमें निकाल सकते हैं। आप पहले रेक्टेंगल के बारे में इसका जो परिभाषा है ये हम पढ़ते हैं। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ईच एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अगर किसी भी चतुर्भुज की जिसकी विपरीत भुजाएं जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब विपरीत भुजाएं का मतलब यहाँ पर आप देखिए जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम, और एक बात और कि जिसका प्रत्येक जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का हो तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? अच्छा, परिमाप की जब हम बात कर लिए तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। अगर आमने सामने की जब भुजा बराबर है तो उस कंडीशन में तो आप बोल सकते हैं ना कि 2a + 2b, मतलब अगर आपने a इसे माना तो ये भी होगा, b इसे माना तो b ये भी होगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 2b और 2a होगा कि नहीं, तो दो कॉमन हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। इसीलिए हम रेक्टेंगल का जब परिमाप का बात आता है तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये कर देते हैं। मतलब आप चारों भुजाओं का योग कर लीजिए और नहीं तो ऐसा कर लीजिए। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर ये लंबाई है, लंबाई और ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल निकालना आसान है आपके लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अगर आपको परिमाप पूछे तो भी आप कह सकते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब दो कॉमन लिया गया है इसीलिए ये दो बाहर है, यानी हम यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गलती मत करिएगा, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये कोष्टक में बंद है। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग करके हम उसमें 2 का गुणा कर दें तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। अच्छा, आपको विकर्ण निकालना है तो इसको पाइथागोरस प्रमेय में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय में तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। जब हम आगे की बात करें, आगे इसके आगे चलते हैं। अगर आपको एक चीज और इसका एक तरीके से और आप एरिया निकाल सकते हैं। इफ लेंथ ऑफ डायगनल्स एंड एंगल बिटवीन डायगनल्स इज गिवेन देन, यदि विकर्णों की लंबाई तथा दोनों विकर्णों के बीच का कोण दिया हो तब एरिया निकाल सकते हैं 1/2 d² sin थीटा। अगर आपको एंगल पता है ना, विकर्णों के बीच का जो एंगल है वो पता है, तब भी आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 d का स्क्वायर, मतलब डायगोनल्स का स्क्वायर इनटू sin थीटा। आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पर। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अगर एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट्स एरिया 40 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो इसका एरिया होता क्या है? तो एरिया आप कहेंगे कि एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका एरिया आप तुरंत ही निकाल सकते हैं देखते ही, यानी 40 × 30, यानी बोल सकते हैं 4×3=1200 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आप यानी क्षेत्रफल तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप निकाल लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिए आगे बने रहने के लिए शाइन क्लासेस के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।